हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा करी। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1 कप राजमा जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, 2 प्याज कटे हुए, 3 टमाटर की प्यूरी। प्यूरी बनाते समय इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डालना है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, जीरा, हरा धनिया। सबसे पहले राजमा को बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसमें पानी डाल देंगे 2 कप के करीब, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 5 से 6 सीटी लगा देंगे। देखिए राजमा हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। ऑयल के गरम होते ही 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। इसी के साथ 2 कटे प्याज डाल देंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए ध्यान से डालें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें राजमा मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डाल देंगे। पानी डाल देंगे 1/2 कप। इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चेक कर लेंगे। देखिए सब्जी हमारी रेडी है, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेंगे। रेडी है हेल्दी राजमा, इसे आप स्टीम राइस के साथ खाइए।